बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेज हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने पुडिंग बना रही हूँ, एप्पल पुडिंग बना रही हूँ, डबल लेयर डबल शेड में। और इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं, वो उसमें मैंने सबसे पहले तो एप्पल्स लिए हैं। एप्पल्स लेकर मैंने इनको इस तरीके से कट कर लिया है, छिलका उतार लिया है। और छिलका उतार कर ये हाफ के जी एप्पल जो हैं वो थे, जिसमें से तीन ये पड़े हुए हैं, बाकी ये हैं। और मैंने इनका छिलका उतार लिया है। और अब इसको शेक बनाएंगे, जैसे बनाते हैं शेक, एप्पल शेक बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, तो दूध के साथ बनता है। और इसके लिए मैंने एक किलो दूध लिया है। एक किलो दूध ब्लेंडर जग में डालेंगे और उसमें एप्पल डाल देंगे। सबसे पहले एप्पल डाल देंगे और साथ दूध डाल देंगे। ये दूध मैंने डाल दिया है। और इसमें जो चीजें डालनी है, उसमें सबसे पहले इलायची पाउडर डालेगा, ये हाफ टी स्पून इलायची पाउडर है। चार टेबल स्पून ये चीनी के हैं। डबल लेयर बनना है तो दो टेबलस्पून एक में डालेगा कॉर्नफ्लोर और दो एक में डालेगा। तो ये दोनों मैंने इकट्ठी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इसी के मैंने दो हिस्से कर लेने हैं, तो इसके लिए मैंने सारा इसी में डाल दिया है। इसके अलावा फूड कलर डालेगा, दो फूड कलर डालेंगे। डबल लेयर बनना है, रेड और येलो दो कलर का बनेगा। तो अब इसको ब्लेंडर को जूसर को चलाते हैं और मिल्क शेक तैयार करते हैं। सबसे पहले शेक तैयार हो गया है और अब इसको हम छान लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। इसको छान कर इसके अंदर से कोई भी अगर कोई पीस रह गया हो ताकि अलहदा हो जाए, एप्पल का पल्प भी अलहदा हो जाए, ताकि बिल्कुल मुलायम और नरम किस्म की जेली तैयार हो, पुडिंग तैयार होगी। ये देखें, इसमें से ये इसका सारा पल्प अलहदा हो गया और इसमें से सारा असर निकल गया हमसे। अब इसको वेस्ट कर देंगे। मैंने 600 ml जूस जो है वो जो मिल्क शेक तैयार हुआ है वो एक कढ़ाई में डाल रही हूँ और 6 ml एक में डाल रही हूँ। ये दोनों कढ़ाइयों में थोड़ा सा मैंने दूध पहले जो डाला है उसमें मैंने कलर डाल दिया है, जो कलर मैंने लिया था वो इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें दूध शामिल कर देते हैं। चीनी वगैरह हर चीज़ पहले ही डाल चुके हैं और अब इसके पकाने का काम शुरू हो जाएगा। अब इसको पकाते हैं। अब दोनों पुडिंग जो दो कलर की पुडिंग है दोनों में जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे। कॉर्नफ्लोर डला हुआ है और सारी चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ और अब इसका पकाने का काम बस होने और ये चंद सेकंडों में पक जाने और बस पकाते हैं। ये एप्पल की पुडिंग बहुत ही मज़ेदार भी बनती है। दूसरा ये कि ये एनर्जेटिक है, यानी इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए और आयरन की कमी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये इनमें आयरन की कमी हो उनको बना के दें। कलर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, खुशनुमाई के लिए कलर डाला जाता है, यानी अच्छा खूबसूरत लगे और वैसे भी सही बन सकता है। तो बिल्कुल जल्दी से तैयार हो गई है दोनों और अब हम इसको फ्लेम ऑफ करके उतारते हैं। अब पुडिंग को हम मोल्ड में डालते हैं। इसमें सबसे पहले रेड वाली डालेंगे। अब येलो पुडिंग डालेंगे इसके ऊपर, दूसरी लेयर येलो पुडिंग की। ये दो कलर मैंने एप्पल के बनाने की कोशिश की है, जो दो कलर एप्पल के हैं वो दोनों मैंने डाले हैं, येलो और रेड। जो मैंने एप्पल लिए हैं वो बिल्कुल इसी कलर के हैं,
एप्पल का कलर बिल्कुल यही है जो मैंने पुडिंग को दिया है कलर। तो ये यानी इसको सामने रखकर मैंने दो कलर यूज़ किए। अब इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। और फिर 2 घंटे के बाद आपको दिखाएंगे इसका रिजल्ट। एप्पल डबल शेड जेली हमारी तैयार हो गई है और मैंने एप्पल के मुताबिक इनके शेप बनाए हैं। इंशाल्लाह आप भी बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।